मुसलमानों के लिए जुमे का दिन मुकद्दस है, जबकि ईसाइयों में एतवार का दिन मुकद्दस समझा जाता है, लेकिन यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस मानते हैं। हफ्ते को यौम सबत कहा जाता है, जबकि यहूदी इसे सबात या शबाब कहते हैं। इस तरह ये कोई काम इस दिन नहीं करते। ये हफ्ते के दिन काम करने से इतना गुरेज करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में भी तिब्बी इमदाद नहीं देते। अगर जान का ख़तरा हो तो तभी कुछ करते हैं, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं करते। हफ्ते के दिन यहूदी सिर्फ इबादत और आराम करते हैं। यहूदियों के शरी कानून के मुताबिक 39 ऐसे काम हैं जिन्हें हराम करार दिया गया है। हफ्ते वाले दिन ये घर में कुछ भी नहीं पकाते, ये आग भी नहीं जलाते और यहाँ तक कि ये आग को बुझाते भी नहीं हैं। हफ्ते के दिन ये टांका या बटन भी नहीं लगाते। इस दिन ये एक हर्फ से ज़्यादा ना तो लिख सकते हैं और ना ही इसे मिटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हफ्ते के दिन यहूदी ने अगर हर्फ अलिफ लिखा तो उसके दिन का वो कोटा ख़त्म हो गया, अब वो बे नहीं लिख सकता। अगर वो हफ्ते वाले दिन ऐसा करते हैं तो उनके नज़दीक ये हराम है। यहूदियों का शबाब का दिन जुम्मे के बाद सूरज गुरूब होने से पहले शुरू हो जाता है। इस दिन का आगाज मोमबत्तियां जलाकर किया जाता है। रिवायती तौर पर इस त्यौहार के दिन 3 खाने खाए जाते हैं। पहला जुम्मे की शाम को होता है, दूसरा रिवायती तौर पर हफ्ते को दोपहर का खाना खाया जाता है और तीसरा हफ्ते की दोपहर के बाद होता है। यहूदी इस दिन खाना खाने से पहले कुद्दूस कहते हैं, इसका मतलब है मुकद्दस। यहूदी जुम्मे को जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं, घरों की साफ सुथराई कर लेते हैं, बाल कटवाते हैं और शेव बनाते हैं। शबाब के दिन ये खसूसी लिबास जेब तन करते हैं और इस दिन ये कोई भी नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करते। यहूदियों के यहाँ आखिर इस दिन की इतनी अहमियत क्यों है और इस दिन को ये मुकद्दस क्यों समझते हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो इसकी ये वजूहात बयान की जाती है कि खुदा ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए, जबकि 7वां दिन शबाब था। इसके अलावा यहूदियों को फिरौनों से आज़ादी भी इसी दिन मिली थी। एक वजह यह भी है कि इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, वो ये कि अल्लाह ने इस दिन को यहूदियों के लिए मुकद्दस करार दिया था। इस दिन इन्हें कोई भी काम या कारोबार करने और मछलियां पकड़ने से मना किया गया था। ये उनका अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था और यहूदी इस आजमाइश पर पूरे नहीं उतरे थे। आजमाइश पर पूरा ना उतरने के बाद उन पर अजाब नाजिल हुआ और इनकी शक्लें बंदरों और खंजीरों में तब्दील कर दी गईं। हफ्ते वाले दिन को मना किया गया कि आपने इस दिन मछली का शिकार नहीं करना और खुदा का करना ऐसा हुआ कि हफ्ते वाले दिन तमाम मछलियां पानी के ऊपर आ जाया करती और बाकी के दिनों में पानी के नीचे। यहूदियों से ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने हफ्ते को मछलियां पकड़ना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और उनकी शक्लों को तब्दील कर दिया गया। यहूदी इसी वजह से इस दिन का एहतराम करते हैं और इस दिन कोई भी काम नहीं करते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।